नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। भारतीय नोट के बदला बदली असर जनकपुर में सेहो व्यापक। पुराना नोट के पुनः मूल्यांकन ले। मधेसी में आपका बड़का बड़का विकास के घोषणा के ने प्रचंड के भाषण सार्थक होबाक में जनमानस में शंका। चैत महीना भित्र स्थानीय तह के निर्वाचन कर जगह तैयारी भेला से आवश्यक एन सब जल्दी तैयार कर प्रभाग गृहमंत्री निधि के कथन। काल पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एखन धरि के पृथ्वी के सबसे नजदीक आउत। वैज्ञानिक सबक दावी पृथ्वी में विशेष इजोत रहत। आ न्यूजीलैंड में 7.4 रेक्टर स्केल के विशाल भूकंप। क्षति के विवरण आब के बाकी। आप समाचार विस्तार से। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाल बंद के जनकपुर में समेत प्रभाव पड़ल। जनकपुर में लंबा दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन सब चल नहीं सकल। लंबा दूरी के सवारी साधन न चल नहीं सकला से यात्रु सब टेम्पो ई रिक्शा लगायत सब से यात्रा कर बाध्य भेल छल। मोटरसाइकिल लगायत छोट निजी गाड़ी सब समेत निर्बाध रूप में चलल। जनकपुर के किछ दोकान सब समेत बंद छल। बंद के सबसे बेसी प्रभाव शैक्षिक संस्था सब में पड़ल। भोरे से जनकपुर के अधिकांश शैक्षिक संस्था सब बंद छल। ओम्हर राजधानी में समेत बंद के आंशिक प्रभाव पड़ल छल। राजधानी के मुख्य शहर तथा आसपास छिटफुट सवारी साधन सब मात्रे संचालन में आयल छल। तुलनात्मक रूप में निजी सवारी साधन उल्लेखनीय संचालन में छल। बंद सफल कर विप्लव माओवादी कार्यकर्ता सब राइते से ठाम ठाम में तोड़फोड़ करते आयल छल। भोरे से काठमांडू के चौक चौक में बंद कराब सक्रिय रहल 131 गोटे के पुलिस नियंत्रण में लेने छल। पुलिस कलंकी कोटेश्वर महाराजगंज चाभिल लगायत के क्षेत्र सब से हुनका सब के नियंत्रण में लेने छल। महंगी कालाबाजारी तथा जनजीविका के मुद्दा सब उठबैत विप्लव माओवादी रवि दिन नेपाल बंद के घोषणा केने छल। मंगल दिन भारत सरकार 500 आ 1000 भारतीय नोट में अचानक प्रतिबंध के घोषणा कैला के बाद ओकर असर नेपाली बाजार में देखल गेल अछि। भारतीय बैंक सब में नोट अदला बदली करय वाला सब के भीड़ लागल लागल अछि। मुदा नेपाली नागरिक संग रहल भारतीय 500 आ 1000 के नोट कहिया से अदला बदली होयत एहि बात में एखनो असमंजसता कायम अछि। नवीन यादव के रिपोर्ट। भारत सरकार 500 आ 1000 नोटक कारोबार में रोक लगला के बाद अ से नेपाली जनता सेहो प्रभावित बनल अछि। भारत में 500 आ 1000 नोट बदलवाक लेल 50 दिनक समय देल गेल अछि। अखन भारतीय बैंक सब में नोट बदलनिहार सबक लंबा लाइन लागल अछि। मुदा एहि विषय में नेपाल में असमंजस देखल गेल अछि। भारतीय नोट में प्रतिबंध लागल एक सप्ताह बीत लगलों के बाद नेपाल सरकार एहि विषय में कोनो निर्णय नै केने अछि। नेपालक बैंक सब नेपाली नागरिक संग भेल 500 आ 1000 नोट बदल एखनो शुरू नै केने अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय नोट बदलवाक अनुमति के लेल भारतीय रिजर्व बैंकक निर्णय के प्रतीक्षा में रहल जनौलक अछि। भारतीय नोट बदलबाक लेल राष्ट्र बैंक अपन दिस पत्र भेज चुकल सेहो जनौलक अछि। नोट बदलबाक सुविधा उपलब्ध करेबाक विषय में भारतीय रिजर्व बैंक सकारात्मक रहल नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरक निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमरे बतौलनि। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मनी चेंजर नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यालय सबैले एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ। त्यो सर्कुलर अनुसार हाललाई भारो 500 र 1000 दरका नोटहरू नसाट्नु भनेर निर्देशन जारी गरेको छ। यो 7/24 गतेको मितिमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको सर्कुलर अनुसार मैले यहाँलाई अहिले के भन्नुपर्छ भने अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणले भारो 500 र 1000 दरका नोटहरू साट्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ल्याउँदा वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कहीँ जाँदा अहिलेसम्मको अवस्थामा साट्न सक्ने अवस्था छैन। साधारणलाई जो जेन्युन सर्वसाधारण हुन् भ्यालिड सोर्सेस भएका सर्वसाधारण हुन् उहाँहरूलाई परेको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियासँग पनि पत्रचार गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि भारतीय सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। निर्देशक घिमरे भारत स्वीकृति अहिला लगले सूचना निकालिकऽ नोट बदलवाक विषयमा सर्वसाधारणकै जानकारी गराएको सेहो बताउलैन। लाग्छ कुनै एउटा निश्चित सीमा तोकेर त्यतिसम्मको सटाई चाहिँ राष्ट्रले वा अन्य निकायले गरिदिने भन्ने अवस्था भोलि यदि त्यो अनुमति प्राप्त पनि हुन सक्ला त्यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचनाहरू प्रसारण गर्ने अवस्था हुन सक्ला। तर जतिखेरसम्म
भारतीय सरकार रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाबाट हामीलाई यति 60 दिन हामी सक्छौँ भन्ने खालको रेस्पोन्स आउँदैन। त्यतिखेरसम्म हामीले यसबारेमा केही पनि भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरो म यहाँ अनुरोध गर्छु। एम्हर सरकारी तथा निजी बैंकक प्रबंधक सब राष्ट्र बैंक से निर्णय नहीं हो धरि अपना सब 500 आ 1000 भारतीय नोट नहीं बदल सकबाक स्पष्ट कैलक अछि। ओ सब अपना सब राष्ट्र बैंक से हो वाला निर्णय के प्रतीक्षा में रहल सेहो बतौलक अछि। जनकपुर शाखा में नजिके यहाँ जनकपुर नेपाल राष्ट्र बैंक भएकै कारणले हामीले इजाजत पनि लिएका छैनौँ आइसी कारोबार गर्ने। विगतदेखि नै यो शाखामा चाहिँ आइसी कारोबार चाहिँ हुने गरेको छैन। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर यो आज कार्तिक चौबिस गते जुन सर्कुलर आएको छ त्यो सर्कुलरले 500 र 1000 रुपियाँ बन्देज लगाएको छ र त्यो बन्देज लगाएको कारणले हामीले प्रस्तुत गरेका छैनौँ। आइसीहरूको अब 1500 को आइसी हामीले प्रस्तुत गरेका छैनौँ हामी लिँदैनौँ अहिलेको सम्मलाई चाहिँ। हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका मितिसम्म भनौँ न आज चाहिँ कार्तिक 28 गते आइतबारको दिनसम्म त्यस्तो कुनै परिपत्र स्पष्ट रूपमा ब्याङ्कहरूले पनि लिन सक्ने अथवा हामीले लिने भन्ने कुनै परिपत्र नआएको हुँदा हामीले हालसम्मलाई जुन रोक्का थियो त्यही यथावत नै छ। हामीले अहिलेसम्म लिन सकिरहेका छैनौँ। दोसर दिस भारतीय 500 आ 1000 नोट में रोक लगला के बाद सर्वसाधारण समस्या में अछि। ओ सब राष्ट्र बैंक सहितक बैंक में पहुँच कर घूरत आयल अछि। कठिनाई भाषा अब के हुन्छ कसो हुन्छ भविष्य को कुरा थाहा छैन। अब हामी तो दैनिक यसो केही गरेर खाने मान्छे त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ आज साटौँ त्यसलाई कहीँ चाहिँ गडबड हुन्छ कि भनेर साट्न आएको यहाँ साट्दा कहीँ पनि साट्ने कुरा चान्स मिलेन साट्दैन भनेर भन्छ। नोटमा लागल रोकक कारण भारत दिस इलाज कराबा जायवाला बीमार भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रक सर्वसाधारण सबसे बेसी समस्यामे पड़ल अछि। हम इन्डियाके दवाईसँ जी इन्डियाके दवाईके लेल बटा पम्प भजेने छल लेकिन अखनी हमरा नहि लऽ रहल दवाई हम नहि खबैत हम जीवित छी हमरा सबसे बड़का समस्या है दवाई। त्या भारतीय नोट में लागल रोक से समस्या में पड़ल नेपाली जनता के पीड़ा के समाधान करबाक दिस सरकार से सक्रियता देखायब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में हरिशंकर शर्मा के संग नवीन यादवक रिपोर्ट। भारत से 500 आ 1000 दर के नोट के कारोबार में रोक लगौला सप्ताह दिन बीतलो पर नेपाल में असमंजसता कायम अछि। नेपाल में कहिया से नोट अदला बदली के काज शुरू होयत एखनो कहल नहि जा सकैए। समस्या में पड़ल सर्वसाधारण सब नेपाल राष्ट्र बैंक सहितक बैंक में नोट बदलाव ओतय पहुँचत अछि मुदा ओ सब खाली हाथ घूर बाध्य भेल अछि। एहि विषय में हम सब 500 आ 1000 नोट भजाब बैंक सब में पहुँचल सर्वसाधारण सब से पूछने छलहुँ नोट बदल में भ रहल विलम्ब से केहन समस्या भोग पड़ रहा अछि। अहाँक बात जहिनाक तहिना। भारतीय पैसा तो छै राष्ट्र बैंक तो व्यवस्थापन नहीं कर ले पर इमें राष्ट्र बैंक के भूमिका खेल के चाहिए कि नेपाल में जो पैसा है व्यवस्थापन केना करल जाए ते दुआरे सबसे बड़का बात है कि ये पर्यटक अब बुझलिए राष्ट्र बैंक तो कहे छे हम नहीं देने बुझे न मगर ये पर्यटक ल के अबे व्यवसाय तो परिचालन है ते दुआरे राष्ट्र बैंक के भूमिका खेल के चाहिए। नेपाल के राष्ट्र बैंक प्रमुख बैंक कम से कम उनकर विशेष दायित्व बने कि या तो उनकर प्रतिनिधि सबसे बात करके चाहे जेना छल उत्पन्न करके एकर सबके निर्कुल करके लेकिन नेपाल आकर भारत के कोनो खास बेसी सीमा हमर सबके तोनाइ तो नजदीक छै जेना पूरा बीकानेर जिले सर जैके अनुसार तो मतलब ऑब्वियसली नेपाल राष्ट्र बैंक के दायित्व बने कि सबसे पहले इनका एक्सचेंज अथवा जे एकर होते से निर्णय कर क्लियर कर। हड़ताल हमरा भ गेलै सर बहुत तकलीफ होइ छै पैसा के बाद अब सुनली रात सुनली तब भोरे सबसे पटाई से अब एते पैसा के तब बहुत अथी छलि काम छलि अब जे जाय रहल हिंदी आ यदि एते पैसा हमरा सबके जे नहि कऽ दै छै तऽ हमरा सबके जीवन चलबा मे ये बहुत से बहुत कष्टनाई पड़तै और हमरा सबके बाल बच्चा के भविष्य भी खराब होते तै दुआरे बेसी के नहि चेंज करबै लेकिन कम वाला के स्रोत देख के तऽ चेंज करनाइ नेपाल सरकार के तऽ दायित्व है अथवा इंडिया सरकार जे भी होइ है ना उनके दायित्व है। 15 दिन से ढोबा दिले 10 दिन से मैंने सामान किनक लागि गेली इंडिया नहीं दिल के घूर गई थी अब कथी कर छी ओवर कली ओवर आशा करे कली नेपाल राष्ट्र में भजा दे मोर ओवर कछि बंदे ओवर नहीं लेब इधवा के यहां जल जब जतला जाय तो तै जो आगे कोन चेंज न होय के कारण कैला कि इंडिया में
हजार आ 500 के नोट के प्रतिबंध लाग गए तो कागज के टुकड़ा के समान भ गए ते लगे आम जनता हम सब नेपाली आम जनता छी तो कुछ कुछ कैला कि पड़ोसी देश नेपाल है भारत से जुड़ल है तो कुछ पैसा नेपाल में इंडियन ढौआ है हम सब आम जनता मार में पड़ रहा छी अब एठाम पैसा जे नहीं लेते तब हम से तो सीधे मतलब कतौ के नहीं रह गेली बुढ़ गेली कहि कऽ एहन बात छै ओना बेसी के नहीं लेबक चाही लेकिन कम सम के है ना स्रोत अनुसार तो लेबक चाही अब जे हमरा से कमा के पैसा पठेने छै आ ओ पैसा यदि हमरा सब के नहीं लेते ब्लॉक भते हमरा सब के परिश्रमो में हमरा सब के जैसे कोनो ई नहीं भेलै हमरा सब के परिश्रम तो फ्री भ गेलै हमरा सब के लागि तो अन्याय भेली बात मैथिली में एकटा कहावत छै जे बेसी बजै छै उ करै नै छै ताहु में नेपाल के नेता सब के हक में ई फकरा 100% सार्थक साबित होइत जा रहल अछि मुदा तैयो नेपाल के नेता सब मंच आ माइक पौने लगते जनता के झूठ आश्वासन बाँट के काम एखन धरि नै छोड़ने अछि एक रिपोर्ट मैथिली में एकटा कहावत अछि जे बेसी बजै छै उ कहियो किछु नै करै छै ताहु में नेपाल के नेता सब के हक में ई फकरा 100% सार्थक साबित होइत आयल अछि मुदा तैयो नेपाल के नेता सब मंच आ माइक पबिते जनता के झूठ आश्वासन बाँड़ के बात एखन धरि नहीं छोड़ने अछि विभिन्न कालखंड में मदेश में आबि के मदेशी जनता के नमहर नमहर सपना देखा के काठमांडू घुरला के बाद उ बाचा आ वचन आ अपन प्रतिबद्धता फोहर के टोकरी में फेंक दिला के कारण मदेश के अवस्था आई एहन भेल अछि मुदा प्रधानमंत्री जेहन कार्यकारी पद जे देशे के लेल सर्वोपरि होइत अछि ओहन विशिष्ट व्यक्ति आबि के सपना देखौनाई के सकारात्मक रूप में लेभी पड़त सुकरदीन सिराहा के चौहरबा में प्रधानमंत्री भेला के बाद माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड पहिल बेर मदेश के भूभाग में आबि के पुनः अपन मदेशी संगे के लव आ प्रेम यथावत रहल दावी कलन मदेशी जनता प्रति मेरो गहिरो जिम्मेवारी छ मदेश पहाड़ हिमालय एकजुट पार्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी मैले वहन गर्नु छ ओ उत्वे मात्र नै कहलेन बल्कि मदेशी थारू आ आदिवासी जनजाति सबके सहित के मुद्दा संबोधन कर सकय वाला नेपाल में एकमात्र नेता के वैछ त स्वयं रहल बात प्रमाणित भ चुकल दाबी समेत क देलन आदिवासी जनजातिलाई धोका दिएको हो कि या थारूलाई धोका दिएको हो कि भन्ने साथीहरू पनि अहिले के भन्न थाल्नु भएको छ काठमाडौँमा भने हाम्रो मुद्दालाई कसैले सम्बोधन गर्न सक्छ भने त्यो एकमात्र प्रचण्डले मात्रै सक्छ भनेर भन्नु भएको छ म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद आ त्यसका बाद जे सुनबाक छल उहे सुनमै आयल ओ विगतमे नेता सब केने जेहने मदेश जनकपुर आ अपन निर्वाचन क्षेत्र सिराहा के विकास में एक दर्जन बुद्धा सब एक एक क पढ़ के मदेशी जनता के पुनः विकास के बड़का बड़का सपना सब बैठ के गेल छथि रामनगर मिर्जया नगरपालिका क्षेत्रमा ढल निकासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी व्यवस्थित रूपमा ढल निकास गर्ने सुरुवात गरिसकेको घोषणा गर्न चाहन्छु यसै गरी सिराहा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा खाने पानीको व्यवस्था गर्न विशेष पहल गरिरहेको छु समग्र राजमार्गको उत्तरतर्फका बासिन्दाहरूका लागि खाने पानीको व्यवस्था गर्ने मेरो पहल अन्तिम रूपमा पुगेको छ र त्यो पहल लागू हुनेछ दुई नम्बर तराई मधेसबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न जनकपुरमा आगामी 45 दिनभित्र वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्न चाहन्छु जुन उपत्यका भन्दा बाहिर वैदेशिक रोजगारको पहिलो कार्यालय मधेसमा र जनकपुरमा हुनेछ र यसले सिँगै मधेसका युवाहरूको निम्ति मधेसी जनताको निम्ति काम गर्न काममा जानको लागि सहज वातावरण हुनेछ तिन नम्बर आम जनतालाई नागरिकता पासपोर्ट नापी नक्सा र जग्गा खरिद बिक्री जस्ता कार्यहरू सहज र सरल रूपमा जनताको घर दैलो नजिक ल्याउन सिराहा जिल्लाको मिर्चेयामा इलाका प्रशासन कार्यालय नापी र मालपोतका शाखा कार्यालयहरू स्थापन गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्दछु म काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ चार
ऐतिहासिक पर्यटकीय धार्मिक नगरी जनकपुरमा रहेको एयरपोर्टको एयरपोर्टको स्तर उन्नति गर्ने विशेष रूपमा पहल गर्ने घोषणा गर्दछु र सिधाको लामी डाँडा एयरपोर्ट निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउनेछु। पाँच, जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुन सकोस् भनी सिराहा जिल्ला अस्पतालको हालको 15 बेडको अस्पताललाई स्तर उन्नति गरी 50 बेडको बनाउने कार्य सुरुवात भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। छ, सिराहा जिल्लाबाट जनकपुर जाने कमला नदी हुलाकी सडकको पुल निर्माण कार्य विगत लामो समयदेखि रोकी हालसम्म सम्पन्न निर्माण हुन नसकेको कुरा मलाई जानकारी छ। सडक विभागको क्षेत्रीय निर्देशकलाई जे जे गर्नुपर्ने सो गरी तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्न चाहन्छु। म यस अवसरमा यसै मञ्चबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी किसान मजदुर श्रमिकहरू जसले जग्गा धनी प्रमाण पूजा नभएकै कारणले धारा बत्तीको लाइन जडान गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण उनीहरू आधारभूत रूपमा नभई नहुने पानी बत्तीबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूका लागि नागरिकता र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा परेकाहरूको तत्काल उपचार गरी जीवनको रक्षा गर्न चोहरबामा ट्रमा सेन्टर निर्माणको लागि 22 कट्ठा जग्गा उपलब्ध भएको जानकारी पाएको छु। यसलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिनेछ। 9, सामुदायिक सर्पदंश सर्पले टोकेको उपचार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गर्दछु। कृषि क्याम्पस सिराहामा कृषि क्याम्पस स्थापनाको लागि पहल गरिने घोषणा गर्दछु र त्यसै गरी कर्जनहारको स्कुलमा ई ल्याब एउटा प्रयोगशाला भवन र पुस्तकालय भवन गठनको निम्ति सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी सुनकोशी कमला डाइभर्सन निर्माणको निम्ति जो पहिलेदेखि यसबारे नीतिगत पहल हुँदै आएको छ यो सुनकोशी कमला डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 12, भेडवा नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी भेडवा नदी नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपरोक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 छ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समेत अछि। ओ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 समेत चुनाव लडल छलनि, मुदा ओतय सँ उनका हार बेहोरा पड़ल। आप देखबाक बाकी अछि कि देश के कार्यकारी प्रमुख जे बाजबला बात लागू होबही पड़ित अछि हुनक घोषणा आ निर्देशन आब कतेक लागू होइत अछि। मधेसी जनता प्रतीक्षा करत कि जनकपुर में 45 दिन भीतर वैदेशिक रोजगार कार्यालय के स्थापना हैत, जनकपुर विमानस्थल के स्तर उन्नति हैत कि नहीं हैत, मिर्चिया में ढल आ नाला सिराहा में विमानस्थल बनत कि नहीं बनत, किएक तऽ प्रधानमंत्री जेहन पद में बैसल व्यक्ति अइ सब विकास निर्माण के काज के घोषणा मात्र नहीं कैलन, ओ मंच से कहलखिन जे ई हमर घोषणा मात्र नहीं है, हमरा संगे संबंधित सचिव सब समेत एत आयल छथिन, हुनका सबके अहि मंच से हम ई काज सब करय के लेल निर्देशन समेत दै छियन। देश के कार्यकारी प्रमुख के बात समेत बुढ़िया फूस हैब ओहि पद के गरिमा संग खेलवाड़ करब जका हैत। सामान्य नेता मंत्री आ प्रधानमंत्री में बहुते फरक होइ छै, एक गोटे नेता के घोषणा आ प्रधानमंत्री के घोषणा के एकैटा रूप में नहीं लेल जा सकैए। विभिन्न समय में विभागीय मंत्री सब आबि कऽ जनकपुर विमानस्थल के स्तर उन्नति आ विस्तार करबाक बात नहीं बाजल नहीं अछि, मुदा हुनका सबके भाषण आ घोषणा मात्रे घोषणा में सीमित भऽ गेल अछि। जनकपुर विमानस्थल के स्तर उन्नति आ विस्तार एखन धरि होबय नहीं सकल अछि। जनकपुर में वैदेशिक रोजगार कार्यालय के स्थापना आ जनकपुर विमानस्थल के विस्तार से समेत जनकपुर के कायापलट भऽ सकैए। प्रधानमंत्री जे मधेश के लेल घोषणा कयने अछि उ सारा विकास निर्माण के काम सब कार्यान्वयन करा कऽ मधेश में अपन पार्टी के प्रतिष्ठा उच्च बनाबे के काम में माओवादी केन्द्र के मधेश के नेता सब समेत आब ओहि बात में सचेत भऽ कऽ हुनक घोषणा के कार्यान्वयन कराब दिस तत्परता देखा भी पड़त। प्रतीक्षा आ भरोसा करी जे प्रधानमंत्री के उ बात सब बात सब साँच साबित हो। अपन टेलीविजनक लेल पूरण शाह जनकपुर धाम। मधेशी जनअधिकार फोरम गणतांत्रिक
अध्यक्ष राजकिशोर यादव कार्तिक भीतर संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं भेल तो संसद ठप करबाक चेतावनी देने छे। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत के क्रम में अध्यक्ष यादव संसद बहिष्कार दबाव देवक लेल कयल गेल कहित कार्तिक भीतर संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं भेल तो संसद घेरबाक आ ठप पारबाक चेतावनी देने छे। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड फेनो ये पहुन के जर चरित्र छले जे प्रवृत्ति छले तेहने ये फेनो तो नहीं कर रहा लेकिन आप ये संख्या जो उपजले हैं सब के तेज द्वारे हम यार अकरा दबाव दे के लेल कि मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन का वो अपन अधिकार से नीचा कोनो भी हालत में हम यार नहीं स्वीकार भे और द्वारे दबाव स्वरूप वही दिन का जे है दो दिन पहले हम यार हाउस बहिष्कार समर्थन फिरता लेबे तेहन कोनो बात सब सोचने छे नया रणनीति बना के अगाड़ी बढ़े अगर तेहन रणनीति बनेबे तो आप कहिया बनेबे एहन रणनीति केहने मतलब बहिष्कार करे जेबे और ये लंबा हो जेते नहीं वही दिन बहिष्कार तो ये प्रारंभिक चरण के वो कार्यक्रम है वही दिन बजट खिमा हम यार स्पष्ट कह दिलिए कि ये बहिष्कार तीन चार दिन तक हम यार आई अथी में रहबे यदि आई कार्तिक मसांत भीतर में ये संविधान संशोधन हमरा और के सहमति अनुसार नहीं लौते तो हाउस मात्रे नहीं बहिष्कार करके हम यार हाउस के घेर का ठप्प पारबे। अध्यक्ष यादव सरकार संविधान संशोधन प्रति गंभीर नहीं है तकाती के बाद संघीय गठबंधन के बैसार बैस का समर्थन फिरता आ आंदोलन के कार्यक्रम लाभ सकबाक चेतावनी समेत दिलन ओ सरकार स्वयं सब संगे बेईमानी के ने आरोप समेत लगौने लै छ अपने के संविधान संशोधन के प्रस्ताव नहीं दर्ता करो ते तो हम यार हाउस के ठप्प करबे ओई के बाद हम के बैठ का एगो गांव के डेडलाइन दका समर्थन फिरता मात्र ने हम यार एकदम आंदोलन के आंधी बहरी लवे वाला आंदोलन के। अध्यक्ष यादव मधेश के माग संबोधन बिना नया संविधान कार्यान्वयन होबय नहीं सकबाक बात नमहर दल बुझ नहीं सकनाई दुर्भाग्यपूर्ण भेल टिप्पणी कयलनि अछि। उप प्रधान तथा गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि चैत महीना भित्रे स्थानीय तह के निर्वाचन करे जका तैयारी कयल गेला से आवश्यक एहन सब जल्दी तैयार करय पड़बाक बतौलनि अछि। व्यवस्थापिका संसद अंतर्गत के राज्य व्यवस्था समिति रवि दिन के ने निर्वाचन संबंधी छलफल में गृहमंत्री निधि आवश्यक एहन नियम तैयार नहीं होबय धरि सरकार निर्वाचन संबंधी तालिका सार्वजनिक कर नहीं सकबाक भेला से एहन सब जल्दी तैयार करय पड़बाक बतौलनि। निर्धारित समय में तीनों तह के निर्वाचन करा कर संविधान कार्यान्वयन करबाक सरकार के प्रमुख लक्ष्य आ कार्यभार रहल कहित ओ वही के लिए आवश्यक एन निर्माण में तीव्रता देवय पड़बाक उल्लेख कयलनि अछि। संविधान कार्यान्वयन के लिए चैत महीना भीतर स्थानीय निकाय के निर्वाचन आ आगामी 2074 साल भीतर बाकी प्रदेश आ केन्द्र के निर्वाचन करबाक तैयारी सरकार कर रहल समेत गृहमंत्री निधि स्पष्ट कयलनि। प्राथमिकता भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो र संविधानको कार्यान्वयनको लागि चैत मसानभित्रमा स्थानीय निर्वाचन गराउने र 2074 माघ 7 गतेभित्रमा बाँकी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अहिले हाम्रो प्रारम्भिक कार्यतालिका भनौँ अथवा योजना भनौँ त्यही हो। तर अब त्यो कार्ययोजना र कार्यतालिकाको लागि अहिले केही मान्य संस्थाले भने जस्तै जबसम्म निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियमहरू कानुनहरू बन्दैन कुनै पनि कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सक्दैन कुनै पनि कार्यतालिका त्यतिकै प्रकाशित गरेर त्यो सार्थक पनि हुँदैन। संविधान कार्यान्वयनके लेल समेत संशोधन आवश्यक रहलासँ संविधान संशोधनमे सहमति जुटेबाक प्रयासमे सरकार लागि रहल गृहमन्त्री निधि उल्लेख कयलनि अछि। संविधान जारी भेले बेरमे मुख्य दलक नेतासभ असहमति सम्बोधन कर संविधान संशोधन करबाक बता चुकलासँ कार्यान्वयनके लेल संशोधनके तैयारी भऽ रहल हुनक कहब छलनि। अहिलेको सरकारले राजनीतिक संविधानको कार्यान्वयनकै लागि समेत संविधानमा संशोधन भएन भने संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन र त्यस कारणले संविधान संशोधनको कुरा केही मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो संविधान जारी भएको वखतमा पनि सबै दलका नेताहरूले त्यो कुरा पहिले पनि भन्नुभएको छ र आश्वस्त पार्नुभएको छ देशका जनतालाई कि संविधान जारी भएपछि पनि
केही असहमतिहरू हुन्छन् अथवा केही आवश्यक मुद्दाहरू छ त्यसलाई समावेश गर्नको लागि संविधान संशोधन गरिनेछ। छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी वर्तमान सरकार निर्वाचन कराएब कहनाई जनतामा विश्वास बात नै भेल बतौलने छ। निर्वाचन कराबसँ बेसी सत्ता बचाबमे सरकार आ प्रमुख दलक नेतासब केन्द्रित भेलासँ आम जनतामा आशंका उत्पन्न भेल कहितो सरकार निर्वाचनके सुनिश्चितताके प्रत्याभूति देव सक प्रभाक बतौने छल। नेता केसी सरकार संविधान कार्यान्वयनके लेल आन्तरिक वातावरण मिलाबके बदला विदेशी शक्ति केन्द्र सबके फुसलाबमे केन्द्रित भेल टिप्पणी समेत केने छल। चुनावमे खटल कर्मचारी आ अभियन्ता सब आचार संहिता विपरीत काम कैलक त तत्काले कार्यवाही करबला प्रावधान एनमे व्यवस्था कर निर्वाचन आयोग सरकार के सुझाव देलक अछि। व्यवस्थापिका संसद अंतर्गत के राज्य व्यवस्था समिति के रवि दिन के बैसार में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव कर्मचारी के गतिविधि समेत निर्वाचन के निष्पक्षता में प्रश्न उठल आवहन अवस्था आयल में कार्यवाही कर सकबाक प्रावधान राख सुझाव देलने छ। आचार संहिता विपरीत काम कैलक तो निर्वाचन में सहभागी होबे वाला निजामती कर्मचारी सुरक्षा निकाय आ पर्यवेक्षक सबके समेत कार्यवाही के दायरा में लाबक अधिकार आयोग के देव प्रभाक हुनका सबके मांगे छ। विगत में समेत कर्मचारी आ सुरक्षा निकाय विभिन्न दल के प्रभाव में पड़ कर निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम कर रहला के कारण से समेत ओहन पाओल गेल तो तत्काले आयोग कार्यवाही कर वाला व्यवस्था एन में राख ओ सुझाव देने छ। निष्पक्षता चिम निर्वाचनको बेलामा कर्मचारी खटन पटनमा पनि देखियो, आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि देखियो, खानपिनमा पनि देखियो, व्यवहारमा पनि देखियो, हिँडाइमा पनि देखियो, अनेक किसिमको सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्दा हामीले त्यो पनि पाएका छौँ। निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीहरू त्यो सुरक्षा निकायको कर्मचारी होस् या नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सङ्घ संस्था निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, त्यसकारण निर्वाचन आयोगले यो अधिकार ठाडो अधिकार हुनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि विवेकपूर्ण ढङ्गबाट तथगत रूपमा मात्रै यो अधिकारको प्रयोग गर्छ। बैसारमे समितिक सदस्य अमरेश कुमार सिंह निर्वाचन आयोगके मजबुत बनाब गैर सरकारी संस्था सबके प्रवेश रोक लगाब पर बात बतौलन। ओ विगतमे समेत आयोगमे एनजीओकरण होइत आयल आरोप समेत लगा देलन। एनजीओकरण काहेकै हो यो देश मलाई लाग्छ कि केही वर्षमा त एनजीओ नै जिम्मा लगाउने बेला हुने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोग पनि मसँग घुमिराख्ने त्यो त हाम्रो देशमा पछि पर्नु, त्यो त हामी यहीँ हुन्छ बाहिर अध्ययन गरेर त्यो सिक्दैन, यहाँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ, यहाँ डिटर्मिनेसन चाहिन्छ। त्यस कारणले यो कानुनलाई व्यापक छलफल हुनुपर्छ, मेरो आग्रह छ सम्पूर्ण एक्सपर्टहरूको भ्यू लिनुपर्छ र पार्टीहरू पनि अलिकति त्याग देखाउनु पर्छ कि हामी सांसद चाहेको छु। समितिक दोसर सदस्य चित्रबहादुर केसी दल सब निर्वाचन आयोगमे राजनीतिक भागभण्डाके आधारमे कार्यकर्ता भर्ती गरके काज कैलासँ आयोगके काम निष्पक्ष हो बनि सकल आरोप लगौलने छ। ओ स्वच्छ आ निष्पक्ष बनाबके अछि त दल सब आयोग उपर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नै चाहिँ धारणा रखने छलै। निर्वाचन आयोगलाई जब शक्तिशाली बनाउने उसले निष्पक्ष रूपले चुनाव गराउन सक्नलाई तब राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दबाब दिनु हुँदैन। कुन निर्वाचन आयुक्त आएपछि आफ्नो दलले सहयोग पार्न पाउँछ भनेर हाम्रो जो चिन्तन हुन्छ आयोगहरूमा तपाईँ चाहिँ हामीले भागभन्ड लगाएर चाहिँ मान्छे भर्ना गर्ने अनि त्यो त्यो आयोगले तपाईँ चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी राजनीतिक दलहरूले यो दृढता व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले भागभन्डको राजनीति गर्नु। समितिक सदस्य प्रेम सुवाल थ्रेस होल्ड के व्यवस्था नै करबाक चाहिँ बतौलनि। ओ परिवर्तन के लेल नमहर समय लेर कर आयल लोकतंत्र में पंचायतकालीन सोच सँ दल सब के निषेध करबाक नै चाहिँ तर्क रखने छ। ओ जनता के मत लगा आब वाला दल सब के कानूनी रूप में बंदेज लगाबक नै चाहिँ समेत बतौलनि। मोडल पुनर्स्थापना भएको अब 27 वर्षपछि फेरि हामीले यो दल धेरै बढी अलिकति यसलाई नियम पुस्तातिर लानुपर्छ कि भन्ने कुरा आयो। त्यसैले यो निर्दलवादी सोच र पञ्चायती सोच चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ बौडलमा आएपछि। अब यस्तो सोच चाहिँ हामीले बौडलवादीहरूले सोच्नै हुँदैन। समिति समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर आवश्यक राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक आ मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक के अन्तिम निष्कर्ष लगाब छलफल तीव्र कैलकै छ।
नेकपा एमाले धनुषाक नेता सब जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता नायब प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार यादव गृहमंत्री सब परिचालित रहल आरोप लगौलक धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में परवला बहिरा बेरा गावी समय गत 24 गते राति में भेल दू समूह के झगड़ा में प्रहरी परिचालित भक अपन कार्यकर्ता सबके मात्रे पकड़ाव कने दावी एमाले नेता सबके अच्छे। एमालेक जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव के नेतृत्व में जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचल एमाले नेता सब डीएसपी यादव ऊपर ओहन आरोप लगबैत निष्पक्ष छानबीन क देव प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्य के आग्रह कलक अच्छे। फटाका फोड़ के क्रम में महिला महिला बीच भेल झगड़ा पुरुष पुरुष धर पहुँचला के बाद भेल झड़प में एक दर्जन व्यक्ति सब घायल भेल छल। एमाले के नेता सब अपन कार्यकर्ता सबके बहुते पिटाई लागल आ घायल समेत भेल कहित उल्टे पुलिस पकड़ के हिरासत में रखने आ गृहमंत्री के क्षेत्र के कार्यकर्ता रहला से पहुँच के आधार में पुलिस दोसर समूह के संरक्षण के आरोप लगौलक। फटाका के घटना में भेल झड़प आ मारपीट के बोक्सी के बहाना बनाकर बोक्सी के आरोप में पीटने कहित अपन कार्यकर्ता सबके नियंत्रण में लेल गेल हुनका सबके आरोप है। घटना के अनावश्यक देखाबक लेल एक गोटे के काठमांडू रेफर कैल गेल आ अपन कार्यकर्ता के पकड़ के इलाज समेत कर नहीं देने वो सब आरोप लगौलक। जवाब में प्रहरी उपरीक्षक आचार्य घटना के एखन धरि भेल अनुसंधान से घटना के शुरुआत एमाले पक्षधर सब केने आ क्षति समेत कांग्रेस पक्षधर में बेसी देखल गेल बतौने छल। एमाले के नेता सब अपन 8 गोटे कार्यकर्ता के पकड़ाव समेत कैल गेल दावी कलक। तहिना वो सब घटना में संलग्न रहल कहित कांग्रेस के 18 गोटे कार्यकर्ता सब विरुद्ध उजूरी समेत दिलक। एम्हर पुलिस पकड़ाव पड़ल सबके ऊपर बोक्सी के आरोप में पीटपाट कने कहित सार्वजनिक अपराध के मुद्दा चलौने समेत बताओल गेल। सरकार भूकंप पश्चात फिरता भेल संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति तथा निःशस्त्रीकरण संबंधी एशिया कार्यालय पुनः स्थापना करबाक निर्णय कलक। मंत्रिपरिषद के रविदिन साँझ में बैसल बैसार से भूकंप पश्चात विस्थापित भेल शांति तथा निःशस्त्रीकरण संबंधी एशिया कार्यालय स्थापनाक लेल 1,11,685,000 रकम छुटियौलक। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते सूचना तथा संचार मंत्री सुरेंद्र कार्की कार्यालय स्थापनाक लेल नेपाल सरकार आर्थिक सहयोग केने जानकारी देलने। वो एशियाली विकास बैंक सौर्य ऊर्जा मार्फत ऊर्जा संकट निवारण के लिए विश्व बैंक अनुदान स्वरूप देवला 2,12,00,00,000 रुपया लेबक लेल वार्ता कर अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी समेत देने जानकारी करौलक। बैसार से जनता आवास कार्यान्वयन कार्यक्रम आ राष्ट्रीय शहरी विकास रणनीतिक प्रस्ताव के थप छलफल के लिए मंत्रिपरिषद अंतर्गत के आर्थिक पूर्वाधार समिति में पठेबाक निर्णय समेत कैल गेल। अर्को महत्वपूर्ण निर्णय चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति तथा निशस्त्रीकरण को एशिया कार्यालय भूकंप पछाड़ी यहाँ हटाइएको र अहिले फेरि त्यो कार्यालय यहाँ फेरि पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति हामीले 1,11,685,000 चाहिँ छुट्याएका छौँ। एसियाली विकास बैंकबाट हामीलाई सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा संकट न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा को विकास गर्नको निम्ति करीब 2,12,00,00,000 रुपैयाँ अनुदान सहायता प्राप्त हुने चाहिँ फिलर प्राप्त भएको छ र त्यसको निम्ति वार्ता गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको एउटा टोली तयार गरेका छौँ। त्यो वार्ता काठमाडौँमा हुनेछ। जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि मन्त्री परिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा छलफलका निम्ति पठाइएको छ। बैसार से भौतिक योजना मन्त्रालय सबके विभिन्न पद में नया दरबन्दी थप करबाक निर्णय कयल गेल। बैसार में संविधान संशोधन के विषय में छलफल भेल रहितो कोनो निर्णय नहीं भेल मंत्री कार्की जानकारी दलन। सभी पक्ष संग सहमति भेला के बाद मात्रे संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करबाक सरकार के रणनीति अनुसार सभी पक्ष संगे छलफल के प्रयास जारी रहल हुनक कहब छल। नेपाल के सीमा क्षेत्र में भारत अनाधिकृत रूप में सेना परिचालन के विरोध में ग्रेटर नेपाल भारतीय दूतावास आगू धरना दिलक। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाली सीमा में भेल हस्तक्षेप विरुद्ध रवि दिन लेनचौर स्थित भारतीय दूतावास आगू धरना दिलक। भारत कालापानी सुस्ता लगायत नेपाली भूमि में अतिक्रमण कक सेना परिचालन केने कहित मोर्चा आपत्ति जनौलक। मोर्चा का अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल अनाधिकृत रूप में सीमा क्षेत्र में परिचालित भारतीय सेना हटाव प्रभाग पाकिस्तान संगे के लड़ाई में मारल गेल नेपाली जवान सब के परिवार के जिम्मा लगावा प्रभाग लगायत के मांग स्वयं सब करत आयल बतौल। भारतीय गोरखा सैनिक के चीन पाकिस्तान आ श्रीलंका विरुद्ध परिचालन कक नेपाल के असल पड़ोसी बीच दरार लाभ खोजने कहित भारत सरकार के ध्यान आकर्षण करने अध्यक्ष नेपाल जानकारी दिलने।
विरुद्ध पाकिस्तान विरुद्ध र श्रीलंका विरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको छ ती मुलुकहरू हाम्रा चाहिँ मित्रराष्ट्र हुन् र मित्रराष्ट्र विरुद्ध भारतीय गोर्खा सेना प्रयोग गरियोस् भन्ने तीन सूत्रीय माग मात्रै आज हामी लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई लाग्ला यति थोरै सङ्ख्या दुईजना आएर के हुन्छ र भन्ने लाग्ला, यो आगो हो, हामीले आगोको बिउ रोपेका छौँ, यो एक दिन फैलिन्छ। आजसम्म भारतीय सेना कालापानीमा गुड बजारमा बसिरहेको छ। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह नेपाल भ्रमण में रहल समय ग्रेटर नेपाल भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध धरना सहित के कार्यक्रम सब कर रहल छ। नेपाल तरुण दल के पोखरा में जारी महाधिवेशन में बंद सत्र शुरू भेल छ। पोखरा स्थित सभागृह में जारी बंद सत्र में पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा के प्रस्ताव में जीतजंग बस्नेत के नेतृत्व में नया कार्य समिति गठन करवाक विषय में नेता सब बीच छलफल भ रहल छ। स्थानीय निकाय के निर्वाचन के तैयारी कर पड़वाक अवस्था में मत विभाजन कक कार्य समिति चयन केला पर पार्टी के असर परत कहित सभापति देवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौला संग सहमति में नेतृत्व चयन कर शीर्ष नेता सब बीच छलफल जारी रखने बस्नेत संस्थापन पक्ष के शीर्ष नेता सब बीच सहमति भेल लगते संविधान संशोधन समसामयिक राजनीतिक आ राजनीतिक प्रतिवेदन में छलफल होबाक बताओल गेल। बंद सत्र के उद्घाटन रक्षा मंत्री एवं तरुण दलक पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण खाँड केने छल। बंद सत्र में युवा केन्द्रित समसामयिक विषय आ दल के आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत कैल गेल। तरुण दल के केन्द्रीय सदस्य जनमंजय तिमिल सिन्हा जानकारी देने महाधिवेशन के लिए देश भर से 1400 प्रतिनिधि सब पोखरा में इकट्ठा भेल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी फिर से अनशन में बैसल। सरकार विगत में स्वयं संघ के सहमति विपरीत वरिष्ठता के लतिया का चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM के डीन में डॉक्टर केपी सिंह के नियुक्त केने कहित डॉक्टर केसी अनशन शुरू कलने। रवि दिन 4 बजे शिक्षण अस्पताल महाराजगंज परिसर में अनशन शुरू करस आगू पत्रकार सम्मेलन का प्राध्यापक डॉक्टर केसी जनप्रतिनिधि से जनता के पक्ष में से बेसी अपन स्वार्थ में काम कैल गया से देश के दलाल के चंगुल में फंसित गल आरोप लगौलक। वो माफिया सबके चंगुल में फंस कर नेता सब जनता के हित विपरीत काम कने टिप्पणी कलने। डॉक्टर केसी जनता राज्य से पावा प्रभाग सुविधा जनप्रतिनिधि सब लूट कर खा रहा आरोप समेत लगौलने। जनता को हकित को नीति निर्माण कर निर्वाचित भर आया सांसद राजनीतिक दल के ये गरीब जनता ने तीरिक जो कर बाट तलब र भत्ता खान्छन् र उनीहरुकै जनताहरुकै हकितको लागि काम गर्नुभन्दा आफ्नो स्वार्थको लागि काम गरिरहेछन्। सिफारिस समिति IOM के डीन में पहिलो नंबर में डॉक्टर जगदीश अग्रवाल, दोसर नंबर में डॉक्टर केपी सिंह आ तेसर नंबर में डॉक्टर ज्योति शर्मा के नाम प्रस्ताव केने छन्। डॉक्टर केसी के ई 10म बेर के अनशन अछि। अनशन संगे डॉक्टर केसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयोग लोकमान सिंह कार्की ऊपर लगाओल गेल महाभियोग के निष्कर्ष में पहुँचाब। त्रिवी उपकुलपति तीर्थ खानिया के बर्खास्त कर चिकित्सा शिक्षा में निर्धारण के अनुरूप के शुल्क कायम कर IOM के पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाब प्रभाग लगात के विभिन्न 9 बुधे माग आगू घुसकौलक। नेपाल पुलिस गाँवघर में लागू औसत दुर्व्यसनी में कोरो समस्या नेपाल पुलिस गाँवघर में लागू औसत दुर्व्यसनी सब देखल गेल तो तत्काल अपना सबके खबर कर आग्रह कलक। नेपाल पुलिस क्लब में रवि दिन एक पत्रकार सम्मेलन के कार्यक्रम कह का पुलिस समाज में देखा पड़े वाला दुर्व्यसनी नियंत्रण करक लेल सहयोग कर आग्रह कलक। कार्यक्रम में प्रहरी युवा वर्ग के लागू औसत प्रयोग कर के क्रम बढ़ गया कहित विद्यालय क्षेत्र में विशेष अभियान संचालन करवाक जनौलक। काठमांडू उपत्यका लगायत विभिन्न स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थी कुलत में फंस रहा कहित पुलिस लागू औसत प्रयोग करे वाला सब देखा पड़त त खबर कर आग्रह कलक। अंतरक्रिया कार्यक्रम में काठमांडू उपत्यका विभिन्न स्कूल तथा कॉलेज के 300 से बेसी विद्यार्थी सब सहभागी। उद्योग मंत्री नवीन्द्र राज जोशी औद्योगिक व्यवसाय एन श्रमिक विरोधी नहीं भेल स्पष्ट कलक। पोखरा में रवि दिन संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते उद्योग मंत्री जोशी औद्योगिक व्यवसाय एन कोनो किसिम कोनो ढंग से मजदूर के हित विपरीत नहीं रहल स्पष्ट कलन। सरकार पछिल्का समय लाभ लागल औद्योगिक व्यवसाय एन में राखल गेल नो वर्क नो पे के प्रावधान श्रम आ श्रमिक के हित विपरीत रहल कहित विभिन्न ट्रेड यूनियन सब विरोध कर रहा समय में मंत्री जोशी एहन दावी कलने। उद्योग संचालन भेल तब मात्र श्रमिक रहत कहित वो सर्वप्रथम निर्बाध उद्योग संचालन के लिए वातावरण
बनाउनै उपयुक्त हेबाक धारणा राख्ने छलैथ। सोमदिन पृथ्वीके एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा 70 वर्षके इतिहासमे सबसँ नजदिक पृथ्वीके नजदिक अएबाक दावी कयल गेल अछि। चन्द्रमा सन 1948 के बाद पृथ्वीके सबसँ नजदिक काल्हि आउट आइ आ काल्हि दुपहरमे देखल जायवला जेहन चन्द्रमा आब सन 2034 मात्र देखल जेबाक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जनौलक अछि। चन्द्रमा पृथ्वीके घुमले कक्ष गोला नै भक अंडाकार भेलासँ चन्द्रमा पृथ्वीसँ कहिया नजदिक त कहियो दूर होइत रहैत अछि। चन्द्रमा जब पृथ्वीके सबसँ नजदिक पहुँचैत अछि तऽ ओकरा महाचन्द्र अर्थात सुपर मून कहल जाइत अछि। चन्द्रमा पृथ्वीके सबसँ नजदिक पहुँचयवला बिन्दुके पेरिग्री कहल जाइत अछि। जे सबसँ दूर पहुँचैत अछि तऽ ओहि बिन्दुके अपोजी कहल जाइत अछि। चन्द्रमा पेरिग्रीसँ 14% बेसी पृथ्वीके नजदिक रहैत अछि, जे कारणसँ सुपर मूनके बेरमे चन्द्रमा सामान्यसँ 14% नम्हर आ 30% बेसी इजोत प्रवाहित करैत अछि। काल्हि साँझमे 5:07 गेलापर चन्द्रमा पृथ्वीके सबसँ नजदिक अएबाक अर्थात चन्द्रमा पेरिग्री बिन्दुमे रहत वैज्ञानिक सबके कहब अछि। काल्हि विशेषे इजोत रहत समेत हुनका सबके दावी अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहल एकटा धार्मिक स्थल में विस्फोट भेला से 52 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घटना 100 से बेसी गोटे के घायल केलक अछि। बलूचिस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में रहल सूफी मुस्लिम शाह नूरानी बदरगाह में विस्फोट कराओल गेल अछि। उद्धारकर्मी के घटनास्थल धरि पहुँचा बहुत कठिनाई भऽ रहल अछि। शाह नूरानी बदरगाह में धार्मिक नाच धमाल भऽ रहल बेर में विस्फोट कराओल गेल छल। तहिना ईरान से समेत ओतय आदमी सब अबैत अछि। विद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट IS अपन एकटा आत्मघाती आक्रमणकारी विस्फोट कराने दावी कयलक अछि, मुदा बलूचिस्तान प्रांत के गृहमंत्री सरफराज बुगटी आक्रमण के पश्चात बाहरी शक्ति के संलग्नता रहल हो सकबाक आशंका व्यक्त कयलक अछि। न्यूजीलैंड में 7.4 रेक्टर स्केल के शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन के अनुसार ओत के स्थानीय समय अनुसार रात में 11:02 गेलापर क्रिस चर्च से 45 किलोमीटर दूर केन्द्रबिंदु बनाकर उक्त भूकंप गेल अछि। क्रिस चर्च केन्द्रबिंदु बनाकर सन 2011 में गेल भूकंप में पड़कर 185 गोटे के मृत्यु भेल छल। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के भूकंपीय जोखिम भेल घेरा भीतर पड़यवला भेलासँ ओतय भूकंप आ ज्वालामुखी विस्फोटन के जोखिम बहुत पैघ अछि। ओतय के स्थानीय पत्रिका अनुसार भूकंप के झटका वेलिंगटन धरि महसूस कयल गेल छल। क्रिस चर्च के बासिंदा सब भूकंप सँ बहुते बेर अपना सबके हिलौने बतौलक अछि। भूकंप जाकर सायरन सब बजल लगला के बाद ओतय मध्य राति में भाग दौड़ मचल छल। एखन धरि भूकंप सँ कतेक क्षति भेल अछि विवरण प्राप्त होबय नहि सकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। भारतीय नोट के बदला बदलीक असर जनकपुर में सेहो व्यापक। पुराना नोट के पुनः मूल्यांकन नहीं सर्वसाधारण समस्या में। मधेश में आबिकऽ बड़का बड़का विकासक घोषणा केने प्रचंडक भाषण सार्थक होबाक में जनमानस में आशंका। चैत महीना भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन कर जका तैयारी भेला सँ आवश्यक एहन सब जल्दी तैयार करबाक चाही गृहमंत्री नीति के कथन। काल पूर्णिमाक दिन चंद्रमा एखन धरि के पृथ्वी के सबसे नजदीक आउत वैज्ञानिक सभक दावी। पृथ्वी में विशेष इजोत रहत। आ न्यूजीलैंड में 7.4 रेक्टर स्केल के विशाल भूकंप क्षति के विवरण आवत नाय। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।